हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एक्सरसाइज की थी टेंस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम कुछ एक्सरसाइज ही करेंगे, ठीक है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। मैं पहले वीडियो पॉज करके आपके लिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। ट्रेन अभी अभी आई है, ठीक है। वह कई घंटों से हंस रहा है, चार दिन से बारिश हो रही है, पिताजी सुबह 7 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, वह सुबह से सो रहा है, वह सन 2000 से यहाँ पढ़ रहा है, क्या वह 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अध्यापक ने कल मुझे पढ़ाया था, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी, वह जयपुर में 1 हफ्ता तक ठहरा, उसने कल ऑफिस को साफ किया, वह तुम पर हंसा, क्या तुम कल वहां गए थे, क्या तुम इस कार को ठीक नहीं करोगे, वह कल 5 बजे उठा और 2 घंटे पढ़ा, हमारे मित्र शाम की ट्रेन से आ रहे हैं, मैं कल इस समय पत्र लिख रहा होऊंगा और हम रात को सो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके एक बार रफ में खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि कितने आपने सही किए। तो चलो अब हम करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन अभी अभी आई है, आया है, आई है, आए है, तीसरे टेंस का वाक्य होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट ग्रुप, परफेक्ट का। तो ट्रेन सब्जेक्ट क्या हो गया, ट्रेन हैज, और अभी अभी आई है तो जस्ट, JUST, जस्ट, और आना है आई है यानी कि अराइव, ARRIVED, अराइव्ड, ठीक है। ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड यानी कि ट्रेन जस्ट अभी अभी ही आई है, ठीक है। और पता ही होगा आपको कि तीसरे टेंस में वो वाले वाक्य लिखे हो जाते हैं जो जस्ट पूरे ही हुए हैं, मतलब उनको खत्म हो चुके हैं, वर्तमान काल में ही खत्म हुए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। वह कई घंटों से हंस रहा है, हंस रहा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके साथ समय भी दिया हुआ है और वर्तमान काल में रहा है, रही है आ गया, तो ये चौथे टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो सब्जेक्ट है ही, यानी कि ही हैज बीन, और हंस रहा है LAUGHING, लाफिंग, और कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, यानी कि कई घंटों से, HOURS, ठीक है। 4 दिन से बारिश हो रही है, अच्छी बात है, हो रही है बारिश, लेकिन हमें पता है कि ये बारिश वाला जो है ये मौसम से संबंधित है, और जिस वाक्य को मौसम से संबंधित वाक्य होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, और रही है, और उसके साथ 4 दिन से समय भी आ गया, तो रहा है, रही है, रहे है, प्लस समय से कार्य जारी, अभी भी हो रही है बारिश, ठीक है, 4 दिन से हो रही है, अभी भी हो रही है, तो ये चौथे टेंस का वाक्य हो गया, यानी कि इट हैज बीन रेनिंग फोर डेज, ठीक है। इट हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हैज बीन आया। पिताजी सुबह 7 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ना अच्छी आदत है, आपको भी पढ़नी चाहिए, अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ो, ठीक है। नहीं समझ में आए फिर भी पढ़ लो, पढ़ना नहीं आता फिर भी पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी, कौन देखता है, देखने वाला है, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं और 7 बजे से, रहा, रही, रहे हैं अभी आ गया, और समय से कार्य जारी है वो भी आ गया, अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चौथे टेंस के अंदर आ गया। तो क्या लिखेंगे, फादर हैज
बिन। अब देखो, एक हम स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हमें साथ में याद भी रखना पड़ता है कि मैंने ये लेसन पढ़ा, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है। लेकिन जब ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसको याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जिसको याद नहीं रखते, जैसे कि हम अखबार रोज पढ़ते हैं, तो क्या रोज अखबार को याद रखते हैं? नहीं, उसको सिर्फ रीड करते हैं, रीड करने सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती, तो उसके आगे रीड लगाते हैं। यहाँ स्टडी, पिताजी को स्टडी करवाने मत बैठ जाना। तो फादर हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, और वो भी कब से? 7 बजे से। तो 7 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 7 o'clock, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये वाला वाक्य, वह सुबह से सो रहा है, सो रहा है, रात भर तो सोया ही सोया और अब भी सो रहा है, चलो अच्छी बात है, सो रहा है। तो देखो, रहा है, रही है, रहे है, ये आ गया, और टाइम भी आ गया कि इस टाइम से सुबह से सो ही रहा है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, तो ये चौथे टेंस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ही हैज बिन स्लीपिंग, और सुबह से, तो सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। अब देखो, वह सन 2000 से यहाँ पढ़ रहा है, 2000 से पढ़ रहा है, रही है, रहे है, और टाइम और आ गया, ठीक है। तो ये भी चौथे टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है, ठीक है, ये जो अखबार कर रहे थे इसको रीड कर रहे थे, लेकिन पढ़ रहा है मतलब स्टडी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? ही हैज बीन स्टडिंग हियर, और वो भी कब से? 2000 से, यानी कि सिंस 2000, ठीक है। अब देखो, क्या वह 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आप भी सही से पढ़ाई करोगे तो जल्दी जॉब लगेगी, और पढ़ाई में सीरियस नहीं होगे तो फिर 5 साल भी आपको लग सकते हैं, इसको तो चलो 3 साल ही लगे। तो रहा है, रही है, रहे है, तो आ गया, और ऊपर से 3 साल से भी आ गया, ठीक है, मतलब उसी समय, 3 साल से समय से कार्य जारी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो चौथा टेंस आ गया। अब ये पूछ रहा है क्या क्या कर रहा है क्या 3 साल से तैयारी, ठीक है, तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि हाँ कर रहा है, और ना तो नहीं, नहीं कर रहा। तो हम इसको हेल्पिंग ग्रुप से इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो चौथे टेंस की हेल्पिंग ग्रुप 2 पार्ट में होती है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को आगे लेंगे, ठीक है, यानी कि हैज ही, अब नहीं और है ऊपर से, तो हैज ही नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, और 3 साल से, तो फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, अध्यापक ने कल मुझे पढ़ाया था, और अगर पहचान के हिसाब से अगर लेके बैठ जाए, पढ़ाया था, पढ़ाई थी, पढ़ाई थी, तो सातवें टेंस में लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक शब्द आ गया कल से, कल, सॉरी कल, और कल भूतकाल को डिनोट करता है, तो वाक्य 5वें और 7वें में से अगर कंफ्यूज नहीं होना, अगर भूतकाल का वाक्य है और पहचान भले ही 7वें टेंस की लिखी हुई है, ठीक है, और भूतकाल का कोई समय है दिया हुआ, तो वाक्य 5वें टेंस में ही लिखा जाएगा, हिंदी की पहचान मान्य नहीं रखेगी, मान्य नहीं रखेगी, तो ये 5वें टेंस में, यानी कि पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि टीचर पढ़ाया, तो एफर्मेटिव वाक्यों के 5वें टेंस के एफर्मेटिव वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो पढ़ाने को सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGHT, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, और किसको पढ़ाया? मुझे, यानी कि मी, और कब? कल, यस्टरडे। अब देखो, क्या अध्यापक ने तुम्हें सजा दी, क्या तुम्हें अध्यापक ने सजा दी, मारा पीटा, होमवर्क वगैरह नहीं किया तो, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि हाँ मुझे टीचर ने पनिशमेंट दी, और ना तो नहीं दी, ठीक है। तो इस वाक्य को हम इंटरोगेटिव से बनाएंगे, और सजा दी, ये कौन सा वाक्य है? 5वें टेंस का, ये भूतकाल का वाक्य है, तो क्या होगा? डिड टीचर पनिश, सजा देना यानी कि पनिश करना, पनिश, PUNIHS, पनिश यू, और ये फिर इंटरोगेटिव का सिंबल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क।
डिड टीचर पनिश यू, इसको पनिश बोलते हैं, ठीक है, पुनिश मत कर देना, पनिश यानी सजा देना, पनिशमेंट होती है ना, पनिशमेंट नाउन होता है, ये पनिश वर्ब है, सजा देना। वह जयपुर में एक सप्ताह तक ठहरा, एक सप्ताह तक ठहरा। अब देखो ये जो तक शब्द है हिंदी में, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इन कुत्तों पर ध्यान मत देना। देखो एक पांचवें टेंस में तक शब्द आता है, यानी कि पांच सिंपल में, एक सातवें टेंस में तक शब्द आता है, इसके अंदर आएगा तक, तो वो क्या आएगा, इसमें पांचवें टेंस में तक शब्द लिखा हुआ होगा, तो हम फोर करके और जो टाइम लिखा हुआ होगा वो लिखेंगे, और अगर सातवें टेंस में वो शब्द आ गया तक, तो हम बाय करके फिर वो टाइम लिखेंगे। जैसे कि वह 7 बजे तक खाना खा चुका था, ठीक है, वह 7 बजे तक खाना खा चुका था, तो हम कैसे लिखेंगे, ही हैड ईटन फूड बाय 7 o'clock, ठीक है। तो हिंदी में तो क्या होगा, 7 बजे तक, तक हिंदी में सब आएगा, तो यहां पर तो बाय करके हमने लिखा, ठीक है, और यहां पर मतलब अगर पांचवें टेंस का वाक्य, मतलब मैं एक वाक्य बोलूं, उसने 3 घंटे फुटबॉल खेला, ठीक है, मतलब उसने 3 घंटे फुटबॉल का मतलब गेम खेला, तो इसके अंदर भी क्या होगा, उसने 3 घंटे तक फुटबॉल मैच खेला, ठीक है। अब देखो यहां पर भी तक है, यहां पर भी हमने कहा कि 7 बजे तक है, तो हिंदी में तो तक तक शब्द ही आएगा, लेकिन यहां पर एक फिक्स होगा कि इस पॉइंट तक ये काम हो चुका था, लेकिन अगर पांचवें टेंस में तक आ गया तो जो समय हुआ दिया हुआ होगा वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम ही दिया हुआ होगा, पॉइंट ऑफ टाइम कभी नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम देते ही वाक्य सातवें टेंस में चला जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको चौथे टेंस में बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ, जिसके अंदर एक समय अवधि होती है, जैसे कि मान लो 3 घंटे तक, 4 दिन तक, 5 महीने तक, 6 सालों तक, ठीक है, 2 हफ्तों तक, तो ये जो वाला अगर पांचवें टेंस में अगर कोई वाक्य तक, वाक्य के अंदर कोई समय तक करके दिया हुआ है, तो वो 99.99% वो समय हमेशा पीरियड ऑफ टाइम ही होता है, ठीक है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम फोर करके और फिर समय वो लिखा जाता है। और सातवें टेंस में अगर कोई वाक्य तक करके अगर कोई समय, सातवें टेंस में तक करके कोई समय लिखा हुआ होता है, तो वो बाय करके टाइम करके लिखा जाता है, ठीक है। तो तक और तक ये भी फर्क होता है, हिंदी हम सीख रहे हैं लेकिन हिंदी के अनुसार हमें नहीं चलना है, हमें हिंदी का उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम सीख इंग्लिश रहे हैं, तो इंग्लिश के नियमों के अनुसार हमें चलना है, ठीक है। तो ये थोड़ा तक तक वाला था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतार लो साइड में कहीं भी, जहाँ पर भी आपका मन करे, लेकिन अगर कभी कभार मैं, मेरे आदत है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मान लो मुझे कुछ चीज़ याद आएगी इसी सब्जेक्ट, इसी सेंटेंस के अंदर, तो मैं वो साइड में जाके वो लिख दूंगा, ठीक है, और लिख दूंगा तो मैं हर बार नहीं कहूंगा कि नहीं वो भी उतार लेना, वो आप स्वविवेक से उतार लेना, क्योंकि वो काम की चीज़ है, फिर जब पढ़ते पढ़ते यहाँ आओगे और फिर यहाँ पर वो देखोगे आपकी खुद की कॉपी, तो आपको समझ में आएगा हाँ यहाँ इस वक्त ये दूर और बताया था, तो इसी से रिलेटेड था, तो फिर कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर कौन सा है, वह जयपुर में एक सप्ताह तक ठहरा, एक ठहरा, ठीक है, यानी कि भूतकाल में ठहरा था, ठहरा, अब ठहरा तो ये तो पांचवें टेंस में चला गया, लेकिन इसके अंदर जो समय है वो तक करके दिया हुआ है, और ये एक सप्ताह क्या है, एक सप्ताह है वो पीरियड दिया हुआ है, पूरा पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, ही, और ठहरने को क्या कहते हैं, स्टे करना, और पांचवें टेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, तो स्टेड इन जयपुर, और एक सप्ताह तक, तो फोर अ वीक, WEEK, समझ में आ गया। तो ये तक वाला लोचा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो तो मैंने, इसलिए तो मैंने बेसिक से पढ़ा दिया, ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना, मैंने पढ़ा लिया आपको याद रखना, ऐसे नहीं कि पढ़ा लिया ठीक है अब समझ में आ गया, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना। उसने कल ऑफिस साफ किया, किया तो चलो अच्छी बात है, एक काम तो बढ़िया किया, लेकिन कल शब्द आ गया है, तो कल जिस वाक्य में भी आए वो वाक्य हमेशा ही पांचवें टेंस में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये उसने यानी कि ही साफ करना,
क्लीन करना, क्लीन्ड द ऑफिस, और वो भी कल यानी कि यस्टरडे। अब देखो वह तुम पर हंसा, ठीक है, उसने तुम पर दांत निकाल दिए, हंस दिया, हंस दिया तो हंस दिया, क्या है इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। तो हंसा ये पांचवा टेंस है, और हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, तो ही लाफ, एल ए यू जी एच ई डी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही लाफ्ड एट यू, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना लाफ के बाद में जिस भी व्यक्ति पर हंसता है या जिस व्यक्ति पर भी हंसने की बात की गई है उसके पहले एट का प्रयोग होगा, तो ही लाफ्ड एट यू, ठीक है। क्या तुम कल वहां गए थे, अब गया था गई थी के हिसाब से पहचान को लेके बैठ जाओगे तो सातवें टेंस में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं बताते बताते थक चुका हूँ कि अगर कल शब्द आ गया है तो पहचान मायने नहीं रखी कि ये वाक्य भी पांचवें टेंस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या आ गया, तो पूछ रहे कि कल तुम वहाँ गए थे, तो जवाब आया ना में दिया जा सकता है, तो दिया जा सकता है, तो इस वाक्य को हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, वो भी हेल्पिंग ग्रुप की सहायता से। तो क्या होगा पांचवें टेंस की हेल्पिंग ग्रुप, डिड यू गो टू देयर, ठीक है ना, ये टू नहीं आएगा, डिड यू गो देयर यस्टरडे, ठीक है। अब देखो क्या तुम इस कार को ठीक नहीं करोगे, अब करोगे, करेगा, करेगी, करोगे, ठीक है, ये ये नवे टेंस में आएगा, क्योंकि क्रिया के साथ, करना क्रिया है यहाँ पर इस वाक्य में, और क्रिया के साथ में गागेगी जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये नवे टेंस का वाक्य है, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस का। और पूछा भी है क्या तुम इस कार को ठीक करोगे, तो जवाब हाँ या ना देगा, तो हाँ या ना में देगा, तो इसको इंटरोगेटिव हम हेल्पिंग ग्रुप की सहायता से बनाएंगे। तो नंबर टेंस की हेल्पिंग ग्रुप क्या होगी, विल शैल, और सब्जेक्ट है यू, तो यू के आंसर क्या होगी, विल, तो इसका क्या होगा, विल यू, और नेगेटिव नॉट भी है, तो नॉट रिपेयर दिस कार, और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम इस कार को रिपेयर नहीं करोगे, ठीक है। वह कल 5 बजे उठा, अच्छी बात है 5 बजे उठते हैं, आप भी उठा करो, और 2 घंटे तक पढ़ा, वाह कितना बढ़िया काम किया, 2 घंटे तक पढ़ा, तो ये 5 बजे उठा और 2 घंटे तक पढ़ा, ये दोनों ही पांचवें टेंस के वाक्य हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वापस तक आ गया, और तब तक के बाद में क्या आ गया, 2 घंटे, और 2 घंटे एक क्या है, समयावधि है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर भी ये 4 वाला लगेगा, तक वाला, ठीक है। यानी कि वह कल 5 बजे उठा, यानी कि यस्टरडे, यहाँ पहले लिख देते हैं क्योंकि वाक्य का फॉर्मेशन, फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन फिर खराब हो जाएगा बीच में लिखेंगे, तो यस्टरडे ही वेकअप, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप, ठीक है, यस्टरडे ही वोकअप एट 5 o'clock, ठीक है, यस्टरडे ही वोकअप एट 5 o'clock, और क्या किया उसने, 2 घंटे तक पढ़ा, तो दोनों की सब्जेक्ट समान ही है, वही उठा था और वही पढ़ा है, तो दोनों की सब्जेक्ट समान है, इसलिए दोनों का सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वापस नहीं लिखता, और पढ़ा यानी कि पढ़ने की सेकंड फॉर्म स्टडी की स्टडीड, और 2 घंटे तक, तो 4 करके, और फिर लिखेंगे 2 hours, क्योंकि यहाँ तक करके जो समय लिखा हुआ वो 2 घंटे हैं। अब देखो हमारे मित्र शाम की यात्रा से आ रहे हैं, शाम नहीं, हमारे मित्र शाम की ट्रेन से आ रहे हैं, अब ट्रेन है वो भी कौन सी, शाम वाली, आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। देखो कई बार गलती क्या होती है कि हम सेंटेंस को सही से नहीं पढ़ते, और हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों ने सही से नहीं पढ़ा होगा, और इसका पॉज मैंने कहा था कि पहले पॉज करो और खुद लिखो, तो जब आपने लिखा हो तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, हमारे मित्र आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे मित्र हैं वो आ रहे हैं, और हम क्या करते हैं, माई फ्रेंड्स की जगह हम माई फ्रेंड लिख लेते हैं, अकेला दोस्त लिख लेते हैं, और फिर वाक्य वापस पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो हमारे मित्र, इस वाक्य को सही से पढ़ोगे ना तो बहुत सी चीज़ें आप गलत करने से बच जाओगे, ठीक है। तो हमारे मित्र शाम की ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारे मित्र यानी कि माई फ्रेंड्स, और बहुत सारे हैं तो आर आ गया, माई फ्रेंड्स आर आ रहे हैं तो कमिंग, ठीक है। और शाम की ट्रेन से तो बाय इवनिंग ट्रेन, ये हमेशा ध्यान रखना कि
कि कोई भी यातायात का साधन जिसको उपयोग करके आप ट्रैवल कर रहे हो उसको इंग्लिश में लिखने से लिखेंगे तो बाय करके फिर लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में तो लिखा हुआ होगा तो से शब्द उपयोग में होगा ही होगा, लेकिन क्या होता है कि बच्चे लड़के होते हैं वो गलती यहाँ कर देते हैं कि वो ये करते हैं कि आपने बस आपको तो ये याद होता है कि फ्रॉम का मतलब होता है से, तो यहाँ पर भी हिंदी में लिखा हुआ है से तो आप फ्रॉम ट्रेन कर देते हो कई बार, फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम बस, फ्रॉम एयरप्लेन, फ्रॉम बाइक, फ्रॉम कार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जिस प्रकार इंग्लिश में पांचवें टेंस में तक का तक के लिए फोर यूज किया जाता है और सातवें टेंस में तक के लिए बाय यूज किया जाता है, तो हिंदी में तो तक ही होता है लेकिन इंग्लिश में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी हर फ्रॉम का मतलब से होता है, ठीक है, फ्रॉम का मतलब से होता है, अच्छी बात है, लेकिन हर से का मतलब फ्रॉम नहीं होता। यहाँ पर भी ट्रेन से करके ट्रेन से लिखा हुआ है तो आप फ्रॉम ट्रेन कर दो, ऐसा मत करना कभी भी। एक यदि कोई ट्रैवल करने का साधन है तो उसके आगे हमेशा बाय करके ही लिखा जाएगा, ठीक है। मैं कल इस समय पत्र लिख रहा होऊंगा, रहा होऊंगा, रही होंगी, रहे होंगी, कौन सा टेंस है, दसवें टेंस का फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। कल इस समय यानी कि एट दिस टाइम, वो भी टुमारो, हम रात को सो रहे होंगे, तो कोई रात को ही सोते हैं, दिन को तो सोना भी नहीं चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, ये वापस दसवां टेंस का आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी शैल बी स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है। तो ये सारे कुछ है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर इसमें से कोई समझ में नहीं आया हुआ हो तो कमेंट में आप कि ये वाला वाक्य आपने बताया था लेकिन गलत बताया था वगैरह, ठीक है, क्योंकि इतने सारे मैं लिखता हूँ तो हो सकता है कहीं पर भी कुछ माइनर मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो एक बार बनाता हूँ उसके बाद वापस चेक नहीं करता अपलोड करने से पहले, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो अगर किसी वाक्य में अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं उसको सही करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस लिखिए। तो आज के ये कुछ आखिरी सेंटेंस हैं, इनको एक बार देख लो। कल हम जयपुर में इस समय क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या हर्ष पढ़ाई नहीं करेगा, मैं सोमवार तक यह काम समाप्त कर चुका होऊंगा। सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे, तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले वे अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, मेरे घर पहुँचने से पहले बारिश रुक चुकी होगी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने से पहले आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। हिंदी के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर भी दो दो वाक्य, इसके दो दो वाक्य, दो दो वाक्य, दो 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 दो, लगभग मैंने सबके अंदर यही स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है, कुछ को छोड़ के दो दो वाक्य है और दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये यदि शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये नहीं, ये सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे, तो ये पहले शब्द से, ये दो, सूरज का ढलना और पक्षियों का सोना, ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं। तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, माँ का खाना बनाना और तुम्हारा जाना, ये पहले शब्द से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले वे अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, मैच का पूरा होना और तुम्हारा वहाँ का पहुँचना, ये पहले शब्द, मतलब इसके अंदर बहुत से वाक्य है जो दो वाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई ना कोई कनेक्टर है, ठीक, कोई ना कोई इंग्लिश में, हिंदी में भी कोई ना कोई शब्द होता है और इंग्लिश में भी कोई ना कोई कंजक्शन होता है जिससे दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हिंदी में देखें तो दोनों भविष्य काल में,
तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वे अपना मैच शुरू कर चुके होंगे, ठीक है, तुम्हारे से पहले माँ खाना बना चुकी होंगी, ठीक है, यानी कि तुम जाओगे उससे पहले खाना माँ खाना बना चुकी होगी, बना चुकी होंगी, ठीक है। तो दोनों ही भविष्य काल में, तो हिंदी में तो दोनों ही भविष्य काल में लिखे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश का एक नियम है कि दो वाक्य या दो कार्य किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य, ठीक है, तो उसमें से एक वाक्य तो इनडिपेंडेंट होगा, यानी कि वो स्वतंत्र होगा, वो एकदम फ्री होगा, और एक वाक्य फ्री है तो दूसरा वाक्य होगा उसके साथ जरूर कोई ना कोई कंजंक्शन जुड़ा हुआ होगा या कोई भी शर्त जुड़ी हुई होगी। जैसे कि मैंने कहा कि यदि मैं जयपुर आऊँगा तो तुम्हें मिलूँगा, तो मैं तुम्हें मिलूँगा ये स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन जो शर्त के साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य है वो कौन सा है, यदि मैं जयपुर आऊँगा, ठीक है, तो यदि शब्द है ये किस वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है, मैं जयपुर आऊँगा, ठीक है। तो प्रत्येक वाक्य, दो वाक्य यदि भविष्य काल में हिंदी में अगर लिखे हुए हैं और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो एक वाक्य तो स्वतंत्र होगा और एक वाक्य के साथ कोई ना कोई कंजंक्शन जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई होगी, ठीक है, और जिस शर्त से वो दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो इंग्लिश ये कहते हैं, इंग्लिश बनाने वाले जो अंग्रेज हैं उन्होंने दोनों काम भविष्य के भरोसे नहीं छोड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक काम भविष्य के भरोसे छोड़ते हैं और एक काम को वर्तमान में ही बोलते हैं और वर्तमान में ही करते हैं। तो दो वाक्य जो थे और उसके अंदर से जो भी इनडिपेंडेंट था, यानी कि जो स्वतंत्र वाक्य था जिसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई थी, उसको तो लिखा जाता है इंग्लिश में फ्यूचर में, और जो वाला वाक्य कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है या जिस वाक्य के साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई है, जो वाक्य जिसको हम इंग्लिश में डिपेंडेंट वाक्य बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा और 99% उसको फर्स्ट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाता है। तो ये वाक्य, ये बातें आप ध्यान रखना, इस सेंटेंस के अंदर मैं बताऊंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कल हम जयपुर में इस समय मैच देख रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, तो कौन सा होगा, दसवां टेंस होगा, ठीक है। तो हम यानी कि वी, फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है, दसवां टेंस, वी शैल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच इस समय, यानी कि एट दिस टाइम, और वो भी कल यानी टुमारो, ठीक है। अब देखो, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब देखो कि रुको, ये घंटे की आवाज आ रही है, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। चलो, तो घंटी बंद हो गई। देखो, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके जो भी मैंने ये वाला कंसेप्ट अभी आपको समझाया था, वाक्य दोनों ही भविष्य काल में है, लेकिन अगर ये वाला वाक्य है मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, ये वाला वाक्य स्वतंत्र है, शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, शर्त जुड़ी हुई है इसके साथ, और ये शर्त जुड़ी हुई है यदि, ठीक है, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला यदि के साथ जो सेंटेंस है इसको तो हम लिखेंगे वर्तमान में, और ये वाला वाक्य है इसको हम फ्यूचर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, यदि को इंग्लिश में कहते हैं इफ, इफ, और ये वाला वाक्य वर्तमान में लिखा जाएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं भी आएगा, नॉट भी आएगा, लेकिन लिखा जाएगा वर्तमान में, यानी कि फर्स्ट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ यू डू नॉट रिटर्न, वापस करना है, यानी कि रिटर्न माई मनी, ठीक है, यानी कि इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, यदि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू। अब यहाँ पर आई के साथ विल क्यों लगा, ये मैंने आपको नम्मा टेंस जब भी पढ़ाया था, ठीक है,
नम्मा टेंस यानी कि फ्यूचर सिंपल। तो मैंने बताया था कि यदि हम किसी को धमकी देते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करने का नियम है वो उलट जाता है, ठीक है। यानी कि आई और वी के साथ विल लगता है और बाकी सभी के साथ शैल लगता है, ठीक है। तो ये मैंने नियम भी बता दिया है। क्या हर्ष पढ़ाई नहीं करेगा, ये पूछ रहे कि क्या आगे हर्ष पढ़ाई नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो करेगा, करेगी, करेंगे, ये क्रिया के साथ गागे की जुड़ा हुआ है, तो नम्मा टेंस का वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का, ठीक है। तो इसको हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, विल हर्ष नॉट स्टडी। अब देखो, मैं सोमवार तक ये कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, चुका होऊंगा मतलब चुकी होंगी, चुके होंगे, ग्यारहवां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और वक्त समय क्या दिया हुआ है, सोमवार तक, तक दिया हुआ है और वो भी सोमवार का। तो मैंने बताया था कि ग्यारहवें टेंस में अगर तक करके समय दिया हुआ है तो वो बाय करके लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क और सोमवार तक, तो बाय मंडे। ये जो परफेक्ट ग्रुप बकावा, परफेक्ट ग्रुप के अंदर जो टेंस आते हैं तीसरे, तीसरा, सातवां और ग्यारहवां, उसके अंदर अगर तक करके कोई समय लिखा हुआ आता है, जैसे तीसरे टेंस में तक करके कोई वाक्य बनता ही नहीं है, लेकिन सातवां और ग्यारहवां जो है वो परफेक्ट ग्रुप का है और उसके अंदर अगर तक करके कोई समय आता है तो वो बाय करके लिखा जाता है समय, ठीक है। अब देखो, सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुके होंगे, पक्षी है वो सो चुके होंगे, ये स्वतंत्र वाक्य है। शर्त वाला वाक्य कौन सा है, सूरज ढलने से पहले, ये पहले शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, सूरज ढलने से पहले, ठीक है। तो देखो, पक्षी सो चुके होंगे इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य है, यानी कि बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट, सो चुके होंगे, ये कौन सा वाक्य है, टेंस है, ग्यारहवां टेंस है, सो चुके होंगे, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, ठीक है। तो बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट किससे पहले, सूरज जले उससे पहले। तो ये वाला वाक्य तो फ्यूचर में लिखा जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र वाक्य है, शर्त इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसको हम वर्तमान में पहले टेंस के लिखेंगे, के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट बिफोर द सन सेट्स, यानी कि सेट्स होना कि अस्त होना, जो सनसेट पॉइंट होते हैं यानी कि सूर्यास्त के जो जगह, ठीक है, जहाँ से सूर्यास्त देखा जाता है। तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, और माँ की तो आदत है कि अगर कोई बेटा घर से बाहर जाता है तो कहते हैं कि खाना खा के जा, वो जल्दी जल्दी बना लेती है। तो तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, तो माँ खाना बना चुकी होगी, ये वाक्य स्वतंत्र है, ठीक है। शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, तुम्हारे जाने से पहले, तो चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो ग्यारहवां टेंस का वाक्य है, तो इसको तो स्वतंत्र करके फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, लेकिन ये वाला वाक्य है, इसको, इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, तो इसको हम वर्तमान काल में फर्स्ट टेंस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो माँ खाना बना चुकी होगी, इसको कैसे लिखेंगे, मदर विल हैव कुक्ड फूड, और तुम जाओ उससे पहले, यानी कि बिफोर यू लीव, यानी कि तुम रवाना हो या तुम जाओ, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले वे अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, तो वे अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, ये स्वतंत्र वाक्य है। शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, कि तुम पहुँचोगे उससे पहले पहले। तो इस वाक्य को तो हम ग्यारहवें टेंस में लिखेंगे, चुका होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, और इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखेंगे, चुके होंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वे अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, तो ये वे यानी कि दे बहुत सारे हैं, दे विल हैव फिनिश्ड, उनका मैच यानी कि देयर मैच, और तुम्हारे पहुंचने से पहले यानी कि बिफोर, और ये वाक्य वर्तमान काल में लिखा जाएगा, यानी कि बिफोर यू रिच, पहले टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी होगी,
तो बारिश रुक चुकी होगी ये स्वतंत्र वाक्य है और शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, मेरे घर पहुंचने से पहले, तो ये इंडिपेंडेंट वाक्य है। इसको क्या टेंस में लिखे होंगे, क्योंकि चुके होंगे है परिभाषा, और इसको वर्तमान काल में लिखेंगे। तो पहले ऐसे लिखते हैं, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, मैं घर पहुंचू उससे पहले, यानी कि बिफोर, और बिफोर करके ये वाक्य वर्तमान काल में लिखा जाएगा, बिफोर आई रिच होम। अब देखो, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो चोर भाग चुके होंगे ये वाक्य स्वतंत्र है। शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, ये कि पुलिस के आने से पहले पहले, ठीक है। तो इसको चुके होंगे इसको तो ग्यारहवें टेंस में लिखेंगे, और ये वाला वाक्य है इसको, इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है तो इसको हम पहले टेंस में लिखेंगे। तो चोर भाग चुके होंगे इसको। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, चोर अकेला नहीं है, ये बहुत सारे चोर हैं, तो हम इसका चोर का बहुवचन लिखेंगे, ठीक है, यानी कि टी एच आई ई वी ई एस होता है, थीव्स, थीफ है ना, मैंने आपको नियम पढ़ा हुआ है, थीफ ई एफ, तो एफ हटा करके वी ई एस लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा, यानी कि थीव्स विल हैव रन अवे। रन की तीनों फॉर्म क्या होती है, रन रेन और रन, ठीक है, यानी कि थीव्स विल हैव रन अवे, पुलिस आए उससे पहले, यानी कि बिफोर पुलिस कम, ठीक है, पुलिस में कोई अकेला आदमी तो आएगा नहीं, बहुत सारी पुलिस आएगी, तो ये बहुवचन है, इसलिए ये वर्ब भी प्लुरल में लिखी गई है। वो सारा रहे, ठीक है, तो कोई आ गया था बुलाने तो मैंने वीडियो पॉज करना पड़ा। तो थीव्स, टी एच आई ई वी ई एस, ठीक है, कभी भी यदि किसी शब्द के, किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो, जैसे कि है नाइफ, के एन आई एफ ई, वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, थीफ, टी एच आई ई एफ, तो जिसके अंत में एफ या एफ ई हो, तो इसको अगर हम प्लूरल बनाना हो, ठीक है, तो उसके पीछे ये एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं, जैसे कि के एन आई वी ई एस, नाइव्स, यानी कि बहुत सारी चाकू, नाइफ यानी कि चाकू, बहुत सारी चाकू, वाइफ यानी कि एक वाइफ, और वाइव्स, डब्ल्यू आई वी ई एस, ठीक है, वाइव्स, और थीफ, तो थीफ की बहुत, टी एच आई ई वी ई एस, यानी कि बहुत सारी चोर, तो यहाँ पे भी थीफ जाएगा, टी एच आई वी ई एस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी एक्सरसाइज है वो करवाऊँ, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, और आज भी बताना कि आज टोटल मैंने कितने क्वेश्चंस कराए, ठीक है, और आपके अंदर से आपने जो पहले मेरे पॉज, मेरे समझाने से पहले पॉज करके मैंने कहा कि आप करो तब आपने किए, तो उनमें से आपने कितने सही किए, ठीक है। और अगर आपको किसी टाइप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी वो बता सकते हो कि मुझे इस टाइप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या इसके अंदर ऐसा क्यों लिखा गया, या ऐसा बताया गया था और ऐसा लिखा गया, तो वह आप कमेंट करके बताना, ठीक है, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।